अधिकार उल्लंघन की सूचना, उसके उपरांत डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जारी। जी ठीक है, क्या लग रहा है जो अभी मौके पे मशीन है वो नकली है? हाँ, ये जो ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क से जारी सर्टिफिकेट के मुताबिक इसका इंडिया में एक ऑथराइज प्रॉपर्टाइज है, उसके अलावा उसमें ये इसका बेच नहीं सकता सामान, तो ये कंप्लीटली ट्रेडमार्क में जो मार्क दे रखा उसका उल्लंघन करके सामान मौके पे ही जब्ती का सामान। हाँ, नए कानून के अंतर्गत मौके पे जब्ती की कार्रवाई, फिर वीडियोग्राफी की कार्रवाई। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या, जो कंपनी है उसका नाम क्या है? अर्जुन सिलाई। भाइयों के बीच में विवाद है जिसमें जितेंद्र जी हैं और एक बालकिशन जी हैं जो अर्जुन सिलाई मशीन का काम करते हैं। ये पुराने लोग हैं जिनके पास इसका रजिस्ट्रेशन था। इन दो भाइयों के बीच में विवाद होने के कारण इन्होंने अपना अपना काम अलग अलग कर लिया। अब एक भाई आके कहता है कि मैं ओरिजिनल माल बेचता हूँ, एक भाई कहता है मैं ओरिजिनल माल बेचता हूँ। कुछ कन्फ्यूजन भी है व्यापारी के बीच में, कुछ व्यापारी को मालूम भी है कि एक भाई असली बेचता है, एक भाई नकली बेचता है। तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में कई बार व्यापारी गलत व्यक्ति से माल ले लेता है और ये कन्फ्यूजन कारण उन दोनों भाइयों के विवाद के चक्कर में व्यापारी का मरण हो रहा है। अभी जो मशीन आई है वो किसकी है और क्या है? ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं तो इसको ओरिजिनल ही मानूंगा क्योंकि जो इनके एंड्रूडी पार्ट्स के अंदर जो ओरिजिनल की होती है। बिल भी नहीं मिल रहा है आपके यहाँ? बिल भी नहीं बताया जा रहा है इसका? बिल होना नहीं होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता आज की तारीख में, बिल ही हर चीज मानी जाती है, ऐसा मुद्दा नहीं होता है। कंपनियां भी जो होती है बिना बिलिंग के काम करती है और ऐसा नहीं है कि बिल से ही सारा काम होता है। मैं मान सकता हूँ बिल होना आवश्यक होना चाहिए, कई बार बिल मिसफिलिंग भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है इस बात के लिए, बट मैटर ये है कि व्यापारी को खुद इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। नहीं, ये ट्रेडमार्क 2016 में बंद हो चुका है जो अर्जुन सिलाई मशीन वाले बोल रहे हैं इस चीज़ का। इन्होंने कहीं जो अर्जुन सिलाई मशीन वाले इन्होंने कहीं इस बात का स्पेसिफिकेशन दिया है, कोई अखबार में दिया है या कहीं बोर्ड लगवाया है या कहीं न्यूज में आया है, तो व्यापारी को उसका ज्ञान होगा? ये अंदरूनी बातें हैं जिसका ज्ञान व्यापारी को कैसे होगा। मैं जितेंद्र कुमार, अर्जुन सिलाई मशीन कंपनी का प्रोप्राइटर और अर्जुन क्लास 7 ट्रेडमार्क का प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस। मुझे कस्टमर और विश्वास सूत्रों से मालूम हुआ कि स्विगी एंटरप्राइजेस के यहाँ यदि ब्रांड की टुकड़ी पर फसलें बेची जाती हैं, इस पर SEO 100% दर्ज करवाई और कार्रवाई कराई। फाइल हो या कुछ भी, बिजनेस में जो ऑथोराइज है जी और जिसके पास ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क का स्वामित्व है या प्रोपराइटर का जो है, उसके अलावा दूसरा कोई हो, भाई हो या कोई भी हो, वो ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। मतलब वो इस ट्रेडमार्क का ऑथोराइज है ही नहीं, तो दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो कोई भी हो, वो गैर कानूनी है जी। पहले है ये एक परिवार के कभी भाई मशीन बेचते थे, 2016 के अंदर जो पुराना ट्रेडमार्क था वो बंद कर दिया गया, रिन्यू नहीं हुआ, वो बंद हो गया उसमें। अब जो है उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने अपना एक नया ट्रेडमार्क इशू करवाया है अर्जुन नाम से, तो शुरू से वो चला रहे हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे आज डुप्लीकेट का छापा पड़ा है। डुप्लीकेट का ऐसा है कि जो ये पुराना ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, नाम और नंबर वो कोई एक्टिव नहीं है, ना उसका कोई बिल है, ना वो आदमी का कोई ठिकाना है। अब कई बार इनकम टैक्स वाले भी हमारी दुकान पर आए हैं कि बालकिशन जी कहाँ हैं, उनका इनकम टैक्स में भी काफ़ी ड्यू चल रहा है क्योंकि वो लोगों से बिल लेते हैं, GST लेते हैं, किसी किसी को इनको बिल नहीं दिया है, किसी को बिल भी देते हैं, उनसे GST भी लेते हैं पर वो कभी जमा नहीं कराते, वो खुद खा जाते हैं। असली मालिक आप हैं? असली मालिक हम हैं, हमारी फर्म है अर्जुन सिलाई मशीन अलगोदार अजमेर जाटियावास के बाहर। अच्छा, आपका नाम? यहाँ पे व्यापारी आपको बता रहे हैं कि दोनों भाइयों का विवाद है, मार्केट को व्यापारियों को ठगा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप केसर अरंज के किसी भी व्यापारी को जाके पूछ लीजिए कि क्या है अर्जुन का मामला, सब बता देंगे। इनको पता है कि डुप्लीकेट मशीनें बेची जा रही है और अर्जुन के ओरिजिनल जो हैं प्रोपराइटर वो नला बाजार में हैं। हमारे से इसलिए नहीं खरीदते कि हमारी रेट ज़्यादा है, ओरिजिनल मशीनों की ओरिजिनल कोई भी चीज़ खरीदोगे उसकी रेट अलग ही होगी, ये थोड़े सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट मशीनें खरीद लेते हैं। आपका नाम? उल्लंघन की सूचना, उसके उपरांत डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद
ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, क्या लग रहा है जो अभी मौके पे मशीन है वो नकली है? हाँ, ये जो ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क से जारी सर्टिफिकेट के मुताबिक इसका इंडिया में एक ऑथराइज प्रॉपर्टाइज है, उसके अलावा उसमें ये इसका बेच नहीं सकता सामान। तो ये कंप्लीटली ट्रेडमार्क में जो मार्क प्लेयर का उसका उल्लंघन करके सामान मौके पे ही जब्ती का सामान। हाँ, नए कानून के अंतर्गत मौके पे जब्ती की कार्रवाई, फिर वीडियोग्राफी की जा रही है।